अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं मंत्रणा फाउंडेशन। चौदह में स्वच्छ सोच और कठोर निश्चय के साथ मेरी स्थापना चार लोगों ने मिलकर की। चारों के मन में केवल एक ही बात थी कि लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी है, बच्चों को शिक्षित करना है, महिलाओं को आगे लाना, बुजुर्गों की सेवा करना और पर्यावरण को बचाना है। इसी सोच और दृढ़ संकल्प के साथ मुझे लेकर ये आगे बढ़े। मेरे मन में कई सवाल थे कि क्या ये चार लोग मिलकर समाज को स्वस्थ रख पाएंगे, क्या ये चार लोग मिलकर बेटियों को पढ़ा पाएंगे, क्या ये चार लोग मिलकर दिव्यांगों की रोशनी बन पाएंगे, क्या ये चार लोग मिलकर मुझे यानी मंत्रणा फाउंडेशन को आगे ले जा पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन से सारे संशय मानो खत्म हो रहे थे। इन चार लोगों की मेहनत रंग ला रही थी, लोग लगातार इनसे जुड़ रहे थे और मेरा परिवार बढ़ता ही जा रहा था। शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण करने की जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, उसने पांच ही साल में असर दिखा दिया। और शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सामुदायिक विकास के लिए रोकथाम और जरूरतमंदों का इलाज, इन सभी के लिए मेरे परिवार ने अपना सर्वस्व लगा दिया। समय समय पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, किसी बीमारी का ऑपरेशन, चश्मों का वितरण, गरीब लोगों को कपड़ों का वितरण इत्यादि, ऐसे कई कार्य लगातार 2014 से मेरा परिवार करता आ रहा है। मुफ्त दवाई, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा और समाज का स्वास्थ्य जैसी कई अहम बातों पर गौर करते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम समाज के लिए उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा कुछ कर पाएं और सभी को खुशी प्रदान कर पाएं। हम चाहते हैं कि आगे जिंदगी भर तक हमारे परिवार में लोग शामिल होते रहें और आगे आकर जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते रहें। मैं मंत्रणा फाउंडेशन आगे अपने परिवार में शामिल होने वाले लोगों के लिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।